हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक और वीडियो जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम टेस्टिंग। सो एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिंग? एक्चुअली टेस्टिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम उसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए हम अलग अलग कंडीशंस लेते हैं और अलग अलग कंडीशंस के ऊपर हम चेक करते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम उनको फुलफिल कर पा रहा है, उन कंडीशंस को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो नहीं कर पाता है तो हम उसको क्रॉस कर देते हैं और उसको फिर बाद में रीडिज़ाइन करते हैं। हम अपने डेवलपर को वापस से ये चीज़ एज ए फीडबैक देते हैं और उनको कहते हैं कि भैया ये वाला पोर्शन आपका जो प्रोग्राम है वो नहीं कर पा रहा है, प्लीज़ इसको रीडिज़ाइन कीजिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम टेस्टिंग एक्चुअली है क्या? बेसिकली टेस्टिंग है क्या? वो आपको इस चीज़ से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक दो और चीज़ें बताता हूँ। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट डेटा इज मोर इम्पोर्टेंट देन इट्स क्वांटिटी। तो हर जगह, जैसा कि हर जगह ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि क्वालिटी मोर इम्पोर्टेंट है क्वांटिटी से। तो आप जो डेटा सिलेक्शन है वो इतना अच्छे से कीजिए, जो टेस्ट डेटा है वो इतने अच्छे से सिलेक्ट कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की मिल जाए। उसकी वनरेबिलिटी, वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो कौन सी कंडीशन में कैसे बिहेव करेगा, अगर आप इतना सोच पा रहे हो तो आपको क्वालिटी डेटा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा और फिर बाद में आप उसको इम्प्लीमेंट कर करके देखिए आपके गिवन प्रोग्राम के ऊपर। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है कहीं पे भी, किसी भी जगह पर। आप एक हलवाई की दुकान पे चले चले जाइए, आपने देखा होगा कि एक ही शहर के अंदर एक हलवाई का दुकान होता है जिसके अंदर वो 5 बजे समोसा बनाता है और उसका सारा समोसा 6 बजे तक बिक जाता है। वहीं दूसरा हलवाई उसी का पड़ोसी, वो भाई सुबह से लेकर शाम तक समोसा बनाता है लेकिन उसकी समोसे के ऊपर मक्खियाँ उड़ती रहती हैं, कभी नहीं बिकता। तो क्वालिटी मैटर करती है भैया, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। चाहे से बहुत सारे समोसे बना के रखा हो, क्वालिटी को कोई नहीं देखता, क्वांटिटी को कोई नहीं देखता, सब देखते हैं क्वालिटी को। अगला प्रोग्रामिंग प्रिंसिप्ट है कि प्रोग्राम टेस्टिंग कैन बी यूज टू शो द प्रेजेंस ऑफ बग्स बट नेवर देयर अब्सेंस। जो प्रोग्राम टेस्टिंग है ना भैया, वो हमेशा अगर कोई बग है प्रोग्राम में तो वो आपको बता देगा कि भैया ये बग है, लेकिन आप प्रोग्राम टेस्टिंग की मदद से ये नहीं बता सकते कि प्रोग्राम के अंदर एक भी बग नहीं है। वो उसकी एब्सेंस के बारे में नहीं बता सकता है, ठीक है, वो प्रेजेंस के बारे में बता सकता है। आपने डेटा, भिन्न भिन्न प्रकार का डेटा लिया, आपने उसके ऊपर टेस्ट किया और वो काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरा प्रोग्राम फुल्ली बग्स फ्री है, ऐसा आप नहीं कह सकते क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट ऑल दी टेस्ट कंडीशंस, टेस्टिंग कंडीशंस, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। फिर है अपने पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ टेस्टिंग। सो पहला टेस्टिंग मेथड्स है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का नाम शायद आपने कहीं सुना होगा, एरोप्लेन में, एरोप्लेन में, हाँ एरोप्लेन में सुना है। एरोप्लेन के पीछे के चैम्बर में ब्लैक बॉक्स लगा होता है जो कि पूरा डेटा एरोप्लेन का इकट्ठा कर रहा होता है और ये एक्चुअली सेफ्टी पार्ट होता है एरोप्लेन के उसके अंदर, जो कि कभी नहीं किसी ब्लास्ट में ये खराब नहीं होता है, ये डेटा रहता है जिससे कि हम ट्रैक कर पाते हैं कि एरोप्लेन किसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। एक मिनट एक मिनट, क्या मैं यहाँ पर एरोप्लेन की बात कर रहा हूँ? सॉरी सॉरी गाइस, एरोप्लेन की बात नहीं करनी थी, एक्चुअली मैं गलत जगह पर चला गया, सॉरी गाइस। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इस ब्लैक बॉक्स से कतई उसका मतलब नहीं है, सॉरी गाइस, ये बिल्कुल भी वो नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, एक्चुअली यूजर आपका यूज कर रहा है, वो अलग अलग इनपुट दे रहा है, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में उसको कोई भी आइडिया नहीं है, वो सिर्फ इनपुट दे रहा है और उसके बेसिस पे आउटपुट पा रहा है। अगर वो कहीं पे भी इनपुट और आउटपुट के बिटवीन जो रिलेशन है अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो कह देगा कि भैया ये पर्टिकुलर जगह पर बग है। तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली यूजर करता है,
यूजर आपको बताता है कि देखिए इस पर्टिकुलर जगह पर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, ये पर्टिकुलर चीज काम नहीं कर रही है, ये स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करता है कि ये यहाँ पर मैं काम कर रहा था लेकिन ये मेरे को डिजायर्ड आउटपुट नहीं दे रहा है। तो ये जो काम है वो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपके एग्जाम में ये चीज पूछी जाए कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सिंपली ये है कि इसके अंदर यूजर इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली विद द प्रोग्राम, बट ही और शी डजंट नो व्हाट इज द इनसाइड द प्रोग्राम। इंप्लीमेंटेशन पार्ट के बारे में उसको कतई नहीं पता है, वो सिर्फ इनपुट देता है और आउटपुट उसको मिलता है, दैट्स इट। फिर है आपका ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। ग्लास बॉक्स टेस्टिंग को हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर पूरा इंप्लीमेंटेशन पार्ट दिख रहा होता है, हम यहाँ पर ट्रेस कर पाते हैं हमारे प्रोग्राम को कि कहाँ से अगर ये पर्टिकुलर इनपुट देंगे तो हम किस जगह से कैसे कैसे मूव करेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होंगी, कौन कौन से स्टेटमेंट्स इन्वॉक होंगे, कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉक होंगे, कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके इन्वॉक होंगे। तो हम अलग अलग कंडीशंस के ऊपर इनको चेक करेंगे, यहाँ पर अलग अलग इनपुट्स देकर हम चेक करेंगे, और हम डिजायर्ड आउटपुट अगर हमें नहीं मिलता है तो कहाँ किस पर्टिकुलर सेक्शन में हमारी प्रॉब्लम अकर हो रही है। तो ये काम जो करता है वो करता है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेस्टिंग इंजीनियर, ठीक है। ये पर्टिकुलर काम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर आपका करके देता है। तो उसको पर्टिकुलर पता होता है कि ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई है इस पर्टिकुलर इनपुट की वजह से प्रॉब्लम हुई है, तो कहाँ कौन से सेक्शन में वो प्रॉब्लम हुई है, तो पर्टिकुलरली उस सेक्शन को रेफर करता है डेवलपर टीम को। सो होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। देन वी हैव वन वन कंपेरिजन बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स और ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर हमें इम्प्लीमेंटेशन पार्ट का कतई ही नहीं पता है, तो ये एक तरीके से हम यूजर टेस्टिंग भी बोल सकते हैं हम इस पर्टिकुलर टेस्टिंग को, यूजर टेस्टिंग। और वही इस पर्टिकुलर टेस्टिंग को हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और डेवलपर टेस्टिंग भी बोलते हैं, जिसमें एक तरफ से हम इनपुट देते हैं और इनपुट को हम ट्रेस भी कर रहे होते हैं कि वो कौन से रास्ते से जाएगा, कौन से रास्ते से जाएगा, अगर उसको दिक्कत आई तो किस पर्टिकुलर जगह पर आई। तो ये हमें दिख रहा होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। सो एट लास्ट वी हैव वन मोर टेस्टिंग, टिक टिक बॉक्स टेस्टिंग। सो एज इट्स नेम रेफर, ये असल में टिक 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 बूम, कुछ ऐसी टेस्टिंग है गाइस। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि किस तरीके से अगर कोई हमने कोई इनपुट दे दिया तो हमारा प्रोग्राम चलना ही बंद हो गया या फिर वो हैंग हो गया। पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर इनपुट के बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं है, बस वो एक कोड, वो पर्टिकुलर चीज हमारा, वो पर्टिकुलर बग हमारे कोड के अंदर है, हमें उस बग के बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। वो जब तक चल रहा है, जब तक कि उसको किसी ने ट्रिगर नहीं किया है, अगर प्रोग्राम में उस बग को किसी ने ट्रिगर नहीं किया है तब तक हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम करेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम में छुपा बैठा है। जैसे ही हम वो पर्टिकुलर इनपुट देंगे वो पर्टिकुलर बग बूम ट्रिगर हो जाएगा और देन आफ्टर बूम। सो दिस इज द मेथड एज इट्स नेम सजेस्ट कि क्या हो रहा होगा, आप इसे ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसकी जो डेफिनेशन है। सो थैंक यू गाइज, दिस इज इनफ फॉर टुडे। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा जितने भी प्रोग्रामिंग प्रिसेप्ट हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उनके बारे में समझेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड हैप्पी लर्निंग।